ओम शांति। गुड मॉर्निंग। बेहद का डायरेक्टर सर्वशक्तिवान बाबा हम बच्चों को यहाँ संपूर्ण रूप से दिव्य पाठ सिखाने के लिए परमधाम से उतर के आए हैं और बाबा कह रहे हैं अपने कैरेक्टर्स को सुधारने के लिए याद की यात्रा में रहना है, क्योंकि द्वापर से हम जब विकार में चले गए आत्माएं तो हमारे कैरेक्टर्स बिगड़ गया। अब सुधारना है तो क्या करना है, बाबा की याद में रहना है। बाप की याद ही तुम्हें सदा सौभाग्यशाली बनाएगी। अगर भाग्यवान बनना चाहते हैं, पद्मा पद्म की कमाई करना चाहते हैं तो शिव बाबा को याद करते रहना है। भक्त अवस्था की फर्क बीमारी के समय होती है। हमारी स्थिति कैसी है, जब कोई बीमारी होती है कुछ होती है तो उस समय क्या हमारी स्थिति खुशनुमा है। भक्ति बीमारी में भी खुशी बनी रहे और खुश मिजाज चेहरे से सबको बाप की याद दिलाते रहो, यही है अच्छी अवस्था। मतलब जो हुआ बढ़िया, जो हो रहा है अच्छा है। भक्ति खुश मिजाज चेहरे से, माना मुस्कान होनी चाहिए चेहरे पे। अगर खुद रोएंगे उदास होंगे तो दूसरों को भी खुश मिजाज कैसे बनाएंगे। कुछ भी हो जाए रोना नहीं है, जो हुआ जो हो रहा है जो होने वाला है सब कुछ अच्छा, इसमें कल्याण ही कल्याण है। बाबा कहते हैं दो अक्षर गाए जाते हैं, दुर्भाग्यशाली और सौभाग्यशाली। सौभाग्य चला जाता है तो दुर्भाग्य कहा जाता है, स्त्री का पति मर जाता है तो दुर्भाग्य कहा जाता है, अकेली हो जाती है। अभी तुम जानते हो हम सदा के लिए सौभाग्यशाली बनते हैं, क्योंकि सत्युग में दुख ही नहीं है, मृत्यु का नाम नहीं होती है, तो विधवा नाम ही नहीं होता वहां। विधवा को दुख होता है, रोती रहती है। भल साधु संत हैं, ऐसा नहीं कि उन्हें कोई दुख नहीं होता है। कोई पागल बन पड़ते हैं साधु संत बनने के बाद भी, बीमारी रोगी भी होते हैं। बाबा कलयुग का समाचार पूरा सुना रहे हैं कि कलयुग में क्या स्थिति होती है, हम देखते होते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं यहां दुख ही दुख है, यह है रोगी की दुनिया, सब रोगी है। सतयुग है निरोगी दुनिया। तुम बच्चे समझते हो हम भारत को फिर से श्रीमत पर निरोगी बनाते हैं, पावन दुनिया जिसको कहते हैं। इस समय मनुष्य के कैरेक्टर्स बहुत खराब है, चरित्र जो है पूरा बिगड़ गया है। अब कैरेक्टर सुधारने का समय है। बाबा कहते हैं कैरेक्टर सुधारने का भी डिपार्टमेंट होगी, स्कूल में भी स्टूडेंट को रजिस्टर रखा जाता है, वो कैसा है किस प्रकार से है उस अनुसार उसको मार्क्स मिलता है। तो इसी प्रकार हमें भी मार्क्स मिलेगा जब हम अपने कैरेक्टर को सुधारेंगे। बाबा कहते हैं 84 जन्म का चक्र तुम्हारे सिवाय और कोई समझा ना सके। ब्रह्मा और विष्णु, विष्णु सुब्रह्मा, शंकर के तो कैरेक्टर ही है नहीं कहेंगे। तुम बच्चे जानते हो ब्रह्मा और विष्णु का आपस में क्या कनेक्शन है। विष्णु के दो रूप हैं, यह लक्ष्मी और नारायण, यही फिर 84 जन्म लेते हैं। भागते आपे ही पूज्य और आपे ही पुजारी बनते हैं, अर्थात अपने कर्मों से। बाबा कहते हैं 84 जन्म कौन लेंगे, समझ की बात है, पुनर्जन्म तो सब मानते हैं। 84 पुनर्जन्म हुए, बड़ी युक्ति से समझाना है, एक साथ सब थोड़ी आएंगे और शरीर छोड़ेंगे। भगवान उबाच बाबा कहते हैं, सर्वशक्तिवान स्वयं ईश्वर कहते हैं, वो बैठ के हम बच्चों को समझाते हैं कि तुम आत्माएं 84 जन्म लेती हो। जब बाबा के बन गए, पुरुषार्थ कर रहे हैं संगम युग पे निश्चय बुद्धि, तो वो बच्चे 84 जन्म लेते हैं, बाबा आज कन्फर्म कर रहे हैं। बाबा कहते हैं सारा मदार है पढ़ाई और याद पर, उसमें भी नंबर वन है याद। डिफिकल्ट सब्जेक्ट पर मार्क्स जास्ती मिलती है, उनका प्रभाव भी होता है। उत्तम मध्यम कनिष्ठ सब्जेक्ट होती है ना, इनमें है दो मुख्य। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो संपूर्ण निर्विकारी बन जाएंगे, फिर विजय माला में पिरो जाएंगे। तो अब हम बच्चों क्या करना चाहिए, दो बातों पर ज्यादा ध्यान देना है और सबसे ज्यादा है याद की, क्योंकि याद से ही आत्मा पावन बनेगी। देवताओं को कहा भी जाता है सर्वगुण संपन्न, स्वलकला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, फिर वो कलाएं कहां गई। चंद्रमा को भी धीरे धीरे कला कम होती है ना, बाबा एग्जाम्पल उदाहरण दे रहे हैं
कि चंद्रमा को भी कला धीरे धीरे कम होती है। तो इसलिए आत्मा भी जैसे जैसे जन्म लेती जाती है तो उसके ऊपर विकार का जो कट है वो जड़ती जाती है, आत्मा की शक्तियां कम होती जाती है। फिर संगम युग पर जैसे ही पुरुषार्थ करते हैं फिर ऊपर की ओर हम बढ़ते हैं। बाबा कहते हैं स्वत्व प्रधान होते हैं, यह सारी दुनिया 16 कला संपूर्ण बन जाती है। अभी तो कोई भी कला नहीं है, जो भी बड़े बड़े लोग हैं अथवा महात्मा आदि हैं यह बाप की नॉलेज उनकी तकदीर में है ही नहीं, उनको अपना ही घमंड है। बहुत करके हैं जो गरीब हैं उनकी तकदीर में है। कोई कहते हैं इतना ऊंच बाप, उनको तो कोई बड़े राजा अथवा पवित्र ऋषि आदि के तन में आना चाहिए। बाबा कहते हैं मैं आता ही हूं उसमें जो पूरे 84 जन्म लेते हैं, एक दिन भी कम नहीं। वंडरफुल बात है। कृष्ण पैदा हुआ उस समय 16 कला संपूर्ण ठहरा, फिर स्वतो रजो तमो में आते हैं, फिर चीज पहले स्वतो प्रधान, फिर हर चीज पहले स्वतो प्रधान, फिर रजो, फिर तमो में आती है। सतयुग में भी ऐसा होता है, बच्चे स्वतो प्रधान है, फिर बड़ा होगा तो कहेगा अब हम यह शरीर छोड़ स्वतो प्रधान बच्चा बनता हूं। तुम बच्चों कितना नशा होना चाहिए, जिस प्रकार टीचर पढ़ाते हैं तो स्टूडेंट को देखते हैं ये बच्चा ठीक से पढ़ता नहीं है, तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों को इतना नशा नहीं है, खुशी का पारा नहीं चढ़ता है, जो अच्छी मेहनत करते हैं खुशी का पारा चढ़ता रहता है, शक्ल भी खुशनुमा रहती है। आगे चल तुमको साक्षात्कार होते रहेंगे, जैसे घर के नजदीक आकर पहुंचते हैं तो फिर वो घर बार मकान आदि याद आता है ना, यह भी ऐसे है। पुरुषार्थ करते करते तुम्हारी प्रारब्ध और नजदीक होगी तो बहुत साक्षात्कार होते रहेंगे और खुशी में भी रहेंगे। क्योंकि जिस प्रकार हम कहीं जाते हैं लक्ष्य बना के कहीं पहुंचना है, तो जैसे जैसे नजदीक आता है तो वो नजारा, तो वो घर, वो स्थान, वो खुशी अपने आप क्रिएट होता है। तो बाबा ऐसे ही कह रहे हैं अपना भविष्य का साक्षात्कार करेंगे, हम क्या बनेंगे बाबा दिखलाएंगे, यह विकर्म आदि किए हैं, पूरा चढ़े नहीं पढ़े नहीं, ट्रेटर बने इसलिए यह सजा मिलती है, सब साक्षात्कार होगा। बिगर साक्षात्कार सजा कैसे देंगे, कोर्ट में भी बताते हैं तुमने यह किया है उसकी सजा है। जब तक कर्मातीत अवस्था हो जाए तब तक कुछ ना कुछ निशानी रहेगी। आत्मा पवित्र हो जाती है तो संपूर्ण रूप से पावन बन के अपने घर चली जाती है। बाबा कहते हैं संपूर्ण रूप से यह अवस्था आपको बनाना है, पवित्रता की अवस्था, क्योंकि हमें नई दुनिया में जाना है और नई दुनिया में जाने के लिए संपूर्ण रूप से तैयारी करनी है। अभी बाप कहते हैं तुम कौड़ियों की पिछाड़ी टाइम वेस्ट मत करो। ये कहते हैं हम भी टाइम वेस्ट करते थे, ब्रह्मावा कहते हैं, तो हमको भी कहा अब तुम मेरा बनकर ये रूहानी धंधा करो, तो झट सब कुछ छोड़ दिया ब्रह्मावा ने। पैसे कोई फेंके तो नहीं देंगे, पैसे तो काम में आते हैं, पैसे बिना कोई मकान आदि थोड़ी ही मिल सकता। आगे चल बड़े बड़े धनवान आएंगे, तुमको मदद देते रहेंगे, एक दिन तुमको बड़े बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी जाकर भाषण करना होगा, और प्रैक्टिकल हम देख रहे हैं अभी वो साकार हो रहा है, बाबा ने जो कहा हुआ है। तो बाबा ने जो कहा हुआ है अभी समय अनुसार वो सब कुछ हो रहा है। बाबा कहते हैं बस सिर्फ अपने को आत्मा समझ के बैठो और बाबा को याद करते रहो। बाबा ज्ञान रत्न को धारण करने के लिए कह रहे हैं अपना टाइम रूहानी धंधे में सफल करना है, हीरे जैसा जीवन बनाना है, अपने को सावधान करते रहना है, शरीर समझने की कड़ी बीमारी से बचने का पुरुषार्थ करना है। बाबा कहते हैं कभी भी माया का दास नहीं बनना है, अंदर में बैठ जाप जपना है कि हम आत्मा हैं, मैं आत्मा हूं, खुशी रहे हम बेगर से फ्रेंड्स बन रहे हैं। बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं वॉइसलेस की शक्ति द्वारा सूक्ष्म वतन व तीनों लोकों का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। जिन बच्चों के पास वॉइसलेस की शक्ति है, बुद्धियोग बिल्कुल रिफाइन है, ऐसे भाग्यवान बच्चे सहज ही तीनों लोकों का शेयर करते हैं, सूक्ष्म वतन तक अपने संकल्प पहुंचाने के लिए सर्व संबंधों के सार वाली महीन याद चाहिए, यही सबसे पावरफुल तार है, इसके बीच में माया इंटरफेयर नहीं कर सकती है।
तो सूक्ष्म बतन की रौनक का अनुभव करने के लिए स्वयं को वॉइसलेस की शक्ति से संपन्न बनाओ। तो बाबा स्लोगन में कह रहे हैं, किसी व्यक्ति वस्तु व वैभव के प्रति आकर्षित होना ही कंपेनियन बाब को संकल्प से तलाक देना। आकर्षित नहीं होना है। और आज के मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा। इसी के साथ मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करेंगे, निरंतर बाबा को याद करते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे और पुरुषार्थ करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।